मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी कन्या राशि के लोगों को, जातकों को दैनिक राशि फल के बारे में बताना चाहेंगे कि आज आने वाले आप लोगों के कुछ समय किन किन चीज़ों को लेकर और किन किन घटनाओं के शिकार आप हो सकते हैं। तो तमाम ऐसे कार्य होने की संभावना भी होंगी जिनके माध्यम से दूध का दूध पानी का पानी हो गया। दोस्तों, इन 48 घंटों में होने वाला है बड़ा हंगामा। आप सभी कन्या राशि के लोगों के जीवन पर तहलका मचने वाला है, सावधान रह जाइए। बड़ा विश्वासघात आपके साथ होता रहेगा। अभी मौका है, देख लो, वरना बाद में पछताओगे, वरना बहुत ही ज़्यादा ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। तो कई चीज़ों को लेकर घटनाएँ भी जीवन पर घट सकते हैं, इनका कोई स्रोत नहीं बंद होगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए कैसा होगा, किन किन घटनाओं के शिकार आप हो सकते हैं, तमाम ऐसे कार्य किस प्रकार हो सकते हैं, आप सभी के जीवन पर किस प्रकार से खुशियाँ हाथ होंगे, किस प्रकार प्रेम आदि निश्चिंत तरीके से चलते रहेंगे, किन किन घटनाओं के शिकार आप हो सकते हैं, आज आप लोगों का व्यापार व्यवसाय कितनी लव लाइफ, आप लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सा बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकते हैं, तो आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहेगा, आपके जीवन में किस प्रकार से लाभकारी योजनाओं को बनाना आपके लिए शुभ और बेहतर हो सकते हैं। तो आज आपको बताएंगे कौन सा महत्वपूर्ण काम का जो कौन से तक देना पड़ सकता है, तो किस प्रकार से आपके जीवन में समस्याओं को दूर भगाया जा सकता है, तो आपकी आर्थिक तंगे भी किस प्रकार से खत्म होंगे, तो किस प्रकार से विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत इंपोर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ऐसे में इस वीडियो को पूरे से पूरा अवश्य देखें ताकि आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों से आप सभी को छुटकारा मिलने के साथ साथ आपके जीवन में परिस्थितियों से आप लोगों को मुक्ति की प्राप्ति हो सकेंगे। तो लगातार हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, माता रानी के सच्चो भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। तो दोस्तों, आज का दिन सबों के जीवन पे बहुत ही बड़े लाभ हो सकते हैं। इनकम बढ़ाने के लिए ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, कुछ हद तक आप लोगों को सफलता की प्राप्ति हो सकते हैं। आज आप लोग सफल हो सकते हैं, माता पिता का आज के दिन पूरा सहयोग मिल सकता है। आप पारिवारिक जीवन में आप लोगों को थोड़ा संघर्ष समय रह सकता है। मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु किसी आध्यात्मिकताओं कार्य की तरफ आपका रुझान बढ़ने का कार्य हो सकता है। तो तमाम ऐसे कार्य होंगे, तमाम चीज़ों को लेकर आप सभी के जीवन पर अर्थात कई चीज़ों को लेकर सकारात्मक परिवर्तन भी होंगे, लेकिन आज कई चीज़ों को लेकर भगवान भोलेनाथ के छाया दृष्टि रहेंगे और जीवन में कुछ बड़े बदलाव भी होंगे, जीवन में बड़े कार्य को करने भी होंगे, तमाम चीज़ों को लेकर शक्तियों को प्रदान करने होंगे, जीवन में नियमित रूप से कार्य को करने हो सकते हैं, कारोबार बढ़ाने में आपको कुछ खास लोगों का मदद मिल सकता है। आप सभी को जीवन में खुशियों को प्राप्त करने की संभावनाएं बेहतर साबित हो सकते हैं। तो आप लोगों को जीवन में खुशियों को प्राप्त करने का मौका मिलने का कार्य हो सकता है। दोस्तों, आपको और बता दें कि आज एक ऐसा वक्त है जो कि आप सभी चीज़ों को लेकर विकसित करने का कार्य जरूर कर सकते हैं। व्यावसायिक सितारों की स्थिति से जानकारी मिल रही है कि आप सभी को आज किसी व्यापारिक सौदे के पूरी हो जाने से आपके स्वभाव और वर्चस्व में वृद्धि होंगी। व्यापार से साथ बिक्री में वृद्धि देखी जा सकते हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ सकते हैं। किराना एवं परचून से संबंधित दैनिक प्रयोग आने वाले उत्पादों की बिक्री में अधिकता देखी जा सकती है। ज़्यादातर कार्यों को टेलीफोनिक माध्यम से संभाला जा सकता है। नौकरी करने वाले जातक अधिकारियों से सैलरी में बढ़ोतरी के लिए बातचीत कर सकते हैं। परिवार में धर्मसमय वातावरण रह सकता है। कोई व्रत जप या फिर आध्यात्मिकताएँ चर्चा आदि चीज़ भी हो सकती हैं। जीवन साथी से उत्तम सहयोग की प्राप्ति होंगे, पुराने मित्रों का सहयोग प्राप्त होंगे, एक अच्छे एवं अच्छे मित्र बढ़ेंगे। सायंकाल के समय किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने का मौका मिल सकता है, स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। आप लोगों को खान पान में संतुलित रखने होंगे, अन्यथा कब्ज एवं पैर से साथ परेशानियाँ हो सकते हैं। कई समस्याओं को लेकर आप लोगों के मन में अलग अलग भावना भी आत्मन हो सकती हैं। दोस्तों, इस राशि का आज के दिन खुशियों भरा साबित होगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होंगे, धन प्राप्ति के नए मार्ग होंगे, धन के योग होंगे। आज किसी के माध्यम से अच्छा धन प्राप्ति होंगे, प्रेम संबंधों में मधुरताएँ आएंगी, स्वास्थ्य को लेकर सतर्क आपको रहने होंगे।
आप को भी कुछ सतर्क जरूरी होंगे। कार्यस्थल में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विनाश करने वालों को बड़ा नुकसान हो सकता है। संभल कर रहना हो सकता है। मानसिक तनाव ज़्यादा रह सकता है। किसी से धोखा मिल जाने के आसार भी दिखाई दे सकते हैं। आज आप लोगों को जात को आज दिन का बेहतर साबित हो सकता है। कई मामलों में आप लोगों को सफलता मिलने के प्रबल योग होंगे। बनते हुए कार्य भी दिखाई देंगे। यात्रा से अधूरे इच्छाएँ भी पूरी होंगी। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आज कोई पुराना रोग भी परेशान कर सकता है। खान पान विशेष रूप से ध्यान से रखना हो सकता है। कोई भी ढील हो जाने के समय सावधानी बरतनी हो सकती है। धोखा मिलने के आसार दिखाई दे सकते हैं। निवेश के लिए समय उपयुक्त नहीं होगा। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आ सकता है। आपको अपनी मेहनत का पूर्ण रूप से सफलता और मिलता रह सकता है, नजर आ सकता है। इस राशि के जो जातक एकल हैं उनके जीवन में कई सास खास शख्स के एंट्री हो सकते हैं। घर परिवार में कोई छोटा मोटा आयोजन हो सकता है। आप सभी को वाहन चलाते समय, सड़क को पार करते समय, पैदल चलते समय सावधानी बरतनी जरूरी होंगे। चोट लगने के आसार होंगे। अचानक से खर्च बढ़ सकता है। बजट बनाकर चलने होंगे तभी लाभ की प्राप्ति होंगे। गुस्से पर आपको काबू पाने होंगे। किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। सावधानी बरतना हो सकता है। कार्यस्थल पर आपको दुश्मन परेशान हो सकता है। खान पान का प्रतिकृताएँ रख साथ कर सकते हैं। छोटे मोटे निवेश में लाभ हो सकता है। रुके हुए कार्य को पूरा करने की भरपूर कोशिश कर सकते हैं। शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकते हैं। चीज़ों को अच्छे से करना हो सकता है। आप सभी को जीवन में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। जीवन में ग्रह नक्षत्रों की अनुकूल स्थिति बदलाव को लेकर आए हैं। आप सभी के जातकों को जो है व्यापार में मुनाफे भी हो सकता है। नौकरी पेशा करने वाले जातकों को आय की वृद्धि भी प्रबल हो सकते हैं। संतान की ओर से कष्ट मिल सकता है। आप सभी को व्यापार और नौकरी में सामान्य रूप से कार्य हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों को सफलता हासिल हो सकते हैं। संतान के विवाह का योग बन सकता है। व्यापार नौकरी में चल सकते हैं ठीक ठाक। आपको यह समय अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आज आप सभी को साझेदारी कारोबार में धोखा मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में कड़बड़ाहटें आ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातकों को सफलता हासिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए सामान्य होंगे। आप लोगों का व्यापार अच्छा चलेगा। इस समय साझेदारी के कारोबार में सफलता हासिल हो सकते हैं। नौकरी पैसा वाले करने वाले लोगों जातकों को पनदौते मिल सकते हैं। संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है। आप लोगों को कारोबार में जबरदस्त मुनाफा हो सकता है। व्यापार का विस्तार हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों को सफलता हासिल में दिक्कत आ सकते हैं। लव लाइफ अच्छे चल सकते हैं। व्यापार नौकरी चल सकते हैं। इनकम में वृद्धि हो सकते हैं। धन हानि हो जाने के योग बन सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों को विशेष रूप से सफलता हासिल करने में मुश्किलें आ सकते हैं। आप लोगों को व्यापार व नौकरी चल सकते हैं ठीक ठाक। यह समय आपको धन लाभ के योग बन सकते हैं। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। अविवाहितों का विवाह योग बन सकता है। आप सभी को केरल में सफलता मिल सकते हैं। ग्रह की अनुकूल स्थिति से धन हानि हो जाने के योग बन सकते हैं। आपकी सेहत ठीक रह सकते हैं। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ हो सकता है। धन लाभ हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातकों को शुभ समाचार मिलने का कार्य हो सकता है। आप लोगों को संतान की प्रतियोगिताओं में परीक्षाओं में सफलता की प्राप्ति हो सकते हैं। आप सभी कन्या राशि के लोगों को जीवन में कई बड़े बदलाव की संभावना हो सकते हैं। तो कई सारी संक्रांतिक परिवर्तन की संभावना दिखाई देने का कार्य हो सकता है। प्यार मोहब्बत